हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी हम जाने वाले मार्केट, अभी कुछ जाने काम है। वाले मतलब हम भुवनेश्वर नहीं जाने वाले हैं। हम खुर्दा ही जाने वाले हैं, हाँ, तो मार्केट। तस्दीक नहीं जाएगा। तस्दीक इसलिए नहीं जाएगा कि हम बहुत दोनों बड़ा बच्चे जा रहे हैं, अफसोस कि मैं नहीं जाऊंगा। मेरा और मेरे सिस्टर का। हम दोनों ही जाने वाले हैं, कुछ कुछ काम अगर खरीदना अगर आपी ने है। हाँ कर दिया तो मैं जाऊंगा, और नहीं किया तो वो बड़ा बात की बात है, बट अफसोस। अभी तस्दीक नहीं जाने वाला, कैंसिल में है, होल्ड में। तो फिर चलिए, फिर मार्केट चलते। अभी ब्रेकफास्ट नहीं किया, ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ पहले। ब्रेकफास्ट करके फिर मार्केट चलते और हैं। मैंने सबसे पहले ब्रेकफास्ट कर लिया तस्दीक का है। ब्रेकफास्ट हो गया, मैं ब्रेकफास्ट करके फिर मैं निकलता हूँ मार्केट अभी। तो अब हम घर से निकल गए, तो अब हम आ गए बुक स्टोर पे। और मेरे को चाहिए था चारकोल पेंसिल, मैं ले लिया हूँ। और ड्राइंग बुक भी चाहिए था, ये ड्राइंग बुक मैंने ले लिया है। तो दो ड्राइंग बुक मैं ले लिया हूँ, और इसे देखता हूँ जो अच्छा पेपर होगा वही वाला मैं ले लूँगा अभी। तो ले के फिर निकलते हैं घर। और चलिए फिर, और बाकी काम है, बाकी काम पूरे करके निकलते हैं अभी घर। तो अब हम घर आ गए, और ये रहा हमारा ड्राइंग शीट भी आ गया है। तो ये बढ़िया क्वालिटी का आ गया, मेरा पेपर ये सही है। और ये पेपर, ये जो है इसमें यहाँ से मैं स्केच करूँगा, और उसके साथ चारकोल पेंसिल जो कई दिनों से मैं लगा हुआ था, बट वो अप्सरा का नॉर्मल पेंसिल से मैं करा था। तो अब ये अच्छा ही पेंसिल है। तो इसमें तीन क्वालिटी का है, एक है चारकोल का, ये है हार्ड, ये देखिए ये है हार्ड, और ये है मीडियम, और ये है सॉफ्ट। तो ये तीन वेराइटी के हैं। तो इसमें अभी ये तीन पेंसिल है और ये ड्राइंग शीट है। और आज ये सारा मेरे सिस्टर ने मेरे को गिफ्ट किया है, सी गिफ्टेड मी। तो और तो अभी चलिए फिर, अभी जितना है इसमें अभी ड्राइंग भी आज से बनाना शुरू करूँगा। और ये क्या है, ये सारा ड्राइंग शीट मेरा नहीं है, तो बस मेरा ये इतना है, ये मेरा है, और ये नीचे वाला मेरे सिस्टर का है, और ये तस्दीक का ऊपर छोटा है, छोटा वाला है। देखिए हम लोग का तीन फेजेस का, तीन साइज का है। मेरी सिस्टर मेरे से बड़ी है इसलिए उसका बड़ा वाला, और मैं सिस्टर से छोटा हूँ, तो ये मेरा मिडिल वाला। और तस्दीक सबसे छोटा है, सबसे छोटा बुक तस्दीक है। तो ये तीन फेजेस में, ये देखिए तीन फेजेस में, तस्दीक का, मेरा, और ये मेरे सिस्टर का है। तो चलिए, बट चारकोल पेंसिल सिर्फ मेरा है, क्योंकि मैं जैसा पेंसिल स्केच में करता हूँ तो सिर्फ चारकोल पेंसिल मेरा ही है। तो चलिए फिर, आज से स्केचिंग इससे ही शुरू होगा, और आज ये सारा गिफ्ट मेरे सिस्टर की तरफ से। तो मैं भी चारकोल पेंसिल से कुछ ड्राइंग बनाया हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ पहले, और उसके बाद बताता हूँ ड्राइंग में क्या क्या मैं यूज़ किया हूँ, और मैं ट्राई किया हूँ रियलिस्टिक के लिए, और जितना भी हो सका मैं वो किया हूँ। ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, आज मैं पहली बार ही यूज़ कर रहा हूँ चारकोल पेंसिल। अब तक मैं ये नॉर्मल पेंसिल से यूज़ कर रहा था, और बट आपको अच्छा ही लगेगा। पहले मैं दिखा देता हूँ देन, और आज किस तरीके से मैं किया हूँ ये ड्राइंग आपको देन मैं बताता हूँ। तो ये रहा, ये दो चेरी मैंने बनाया था, बट ये भी चेरी है, ये वाला भी चेरी है, और ये वाला भी चेरी है। और इसमें कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स मैंने दिया हुआ है जो कि थोड़ा रियलिस्टिक लगेगा। बट मैं ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था जो कि चारकोल पेंसिल से, और ये मैं कुछ अट्रैक्टिव लगे इसलिए मैं इसको साइड में कुछ ग्राफाइट का शेडर दिया है। और ये भी जो ये शेडो है, और ये थोड़ा ये भी अच्छा लग रहा है मेरे, ये दो भी अच्छा ही लग रहा है। तो ये ड्राइंग बनाने में मेरा यूज़ है इरेजर, ईयरबड, और ये चारकोल का मीडियम पेंसिल, और ये रहा हार्ड, और ये रहा सॉफ्ट, और ये जनरल पेंसिल है। तो आपका ये सब जहाँ रिक्वायरमेंट होता है वहाँ देख के यूज़ करेंगे। तो यही मेरे हिसाब से ये मैं यूज़ किया हूँ। आई होप यू गाइस लाइक दिस। आज का दिन पूरे ड्राइंग में ही निकला है, और अभी हम नीचे बैठ के ही ड्राइंग कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा हमको एक्स्ट्रा कम्फर्ट मिल रहा है। और तस्दीक भी अभी ड्राइंग कर रहे हैं, मैं भी ड्राइंग, मैं ड्राइंग नहीं कर रहा हूँ, मैं कैलीग्राफी कर रहा हूँ। और कभी नियर हाँ, मैं अबाउट भी ड्राइंग नहीं कर रहा हूँ, मैं स्केच कर रहा हूँ। तस्दीक, हाँ स्केच ही कर रहा है सेम, और स्केच करने के बाद अभी वो भी कब से कोशिश कर रहा है। अभी वो एक्चुअली क्या है, लर्निंग पीरियड में, तो अभी ट्राई कर रहा है। लर्निंग पीरियड में मैं मर्सिडीज कर रहा हूँ। तो अभी जो मैं कैलीग्राफी कर रहा हूँ, इवनिंग से बैठ के कोशिश कर रहा हूँ जो कि कैलीग्राफी बने, और मेरा जो ड्राइंग पेज है फ्रंट पेज में, वो उससे लिखूंगा अपने यूट्यूब चैनल का नाम, उड़ीसा वाला ब्लॉगर। बट अभी क्या है, कुछ भी एक भी सही से नहीं बना है। मैं दिखाता हूँ आपको मैं कितना प्रैक्टिस किया हूँ, और वो कैसे लग रहा है आपको। ये देखिए सारा सेटअप लगा हुआ, इतना कलर है, और इसमें मैं रेड और ब्लैक कलर मिलाया हुआ है। तस्दीक उसका ड्राइंग सेटअप लेके बैठा है, ये उसका बॉक्स है, और तस्दीक उसका बैठ के यहाँ पर ड्राइंग कर रहा है। तो यहाँ पर मैं कैलीग्राफी जो किया है, ये तो पेंसिलें छोड़ दीजिए, और ये कलर है, और इसमें मैं क्या है ब्लैक और रेड कलर मिलाया हूँ। तो और ये जो कैलीग्राफी पेन है, ये मेरे सिस्टर ने बनाई है, और ये खुद अपने हाथ से वो बनाई है। देखिए इसको कैसे वो बनाई है। इसके दो साइड से ही हम कैलीग्राफी कर सकते हैं,
ये थोड़ा ठीक है और ये थोड़ा पतला है और हैंडमेड है ये। और चलिए ये दिखा, तो मैं आज जो भी जितना भी प्रैक्टिस किया हूँ कैलीग्राफी का, ये एक पेजेस हो गया। और ये देखिए ये जितना है मैं सब प्रैक्टिस किया हूँ। पता नहीं आपको कैसा लगता होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए कैसे लगता है। और हाँ, ये यूट्यूब मैंने लिखा है, मेरे को तो ये थोड़ा बहुत सही लग रहा है। तो ये चलिए फिर मैं प्रैक्टिस अभी कर। प्रैक्टिस करता हूँ कैलीग्राफी का, उसके बाद मैं अभी इसको फाइनल अपने ड्राइंग बुक में करने वाला हूँ। तस्दीक का देखिए उसका ड्राइंग वो कर रहा है अभी, वो देखिए वो कौन सा ड्राइंग कर रहा है, मर्सिडीज लर्निंग अभी वो लर्निंग पीरियड में उसका ये चल रहा है। तो गाइज अभी देखिए, मैं एक्चुअली मैं जब ब्लॉग बना रहा था, मेरे दादी मेरे को पूछ रहे हैं अभी, वो क्या पूछ रहे हैं मैं बताता हूँ, रुकिए बता दादी क्या बोले। गॉड गॉड इज गुड। इज गुड हाँ, मतलब, इसको वाने कौन? तो मतलब ये है कि अल्लाह बहुत अच्छे हैं। हाँ, और एक क्या पूछते थे, और मेरे दादी को थोड़ा कम सुनाई दे रहा है मैं इसलिए उनको, वो और एक क्या पूछ रहे थे। हाँ क्या कह रहा? वेलकम, हाँ वेलकम मतलब खुशामदीद, वेलकम। अच्छा। तो अभी दादी कहीं से मेरे हाँ को मतलब वो कहीं से देख लिए या कहीं से सुन लिए, तो उनको ये कहीं से सुन लिए वो, तो वो मेरे को ही पूछ रहे थे। मैं सोचा कि ये भी मैं ब्लॉग में बता देता हूँ तो चलिए भी उनको ये सब तो नहीं बताए, हमको हमको इरिटेट नहीं होना है, तो वो अगर पूछते हैं उनको बता देना है। मेरे को बहुत अच्छा लगा कि दादी आज ये सवाल पूछे, मेरे को कभी ये नहीं पूछे थे, आज ये पहली बार उन्होंने मेरे को पूछा। गुड नाइट। तो अभी हाँ गुड नाइट गुड नाइट मतलब गुड करते नाइट तो अभी गुड नाइट के बारे में मतलब पूछ रहे थे, तो चलिए फिर गाइस मैं उनको सब बता दिया हूँ अभी। तो अभी जो है मैं उनको बता देता हूँ क्या क्या है सारा मीनिंग, अच्छे से उनको बता देता हूँ। हाय एवरीवन, अब आज का ब्लॉग यहीं पे करते हैं एंड। अभी रात भी हो चुका है, रात का भी बज रहे हैं 10:20। तो मैं भी मेरे को भी अभी डिनर भी करने वाला हूँ, तो अभी मैं जाकर डिनर भी करने वाला हूँ। तो अभी मेरे को वीडियो एडिट भी करना है, रेंडर करना है, फिर यूट्यूब में अपलोड भी करने वाला हूँ। तो रात भी हो चुका है, तो मेरे को पता नहीं चला इतना जल्दी इतना रात भी हो गया। तो चलिए फिर गाइस आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आपको आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो कर दीजिए लाइक शेयर, और अपना वैल्यूबल कमेंट कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना फेसबुक अकाउंट और इंस्टाग्राम अकाउंट दे दिया हूँ, तो इंस्टाग्राम अकाउंट में फॉलो कर दीजिए और फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए, फॉलो कर दीजिए। मैं वापस से फिर आता हूँ एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। टिल देन गुड बाय।